Hello everyone, this is our English class and today we will start our lesson number 9, the last lesson. It is written by Alphonse Daudet. About the writer, Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer and has more than 3 dozen works of literature to his credit. Alphonse Daudet, जो है फ्रेंच नॉवलिस्ट रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं और उन्होंने करीब 3 दर्जन से ज्यादा लिटरेचर में अपनी काम को रखा है, उनको क्रेडिट जाता है उसका. He is considered to be one of the most iconic names of French literature. और ये अभी तक के उन नामों में आते हैं फ्रेंच लिटरेचर के, काफी अच्छे नामों में इनका नाम भी मेंशन किया जाता है. He portrayed human emotions in a very realistic manner. और ये human emotions को बहुत ही realistic manner में अभी तक present करते हुए आए हैं अपने काम के अंदर. So here we go. I started for school very late that morning and was great dread of schooling, especially because Ram Hanover had said that he would question some participles, and I didn't know the first word about them. यहाँ पर जो एक बच्चा है उसके बारे में ये स्टोरी है जहाँ पर वो स्कूल के लिए लेट हो गया है. शुरुआत में ये बता रहा है कि वो उस दिन लेट उठा और इसीलिए उसको डर लग रहा था कि उसको डांट पड़ेगी, स्पेशली जिसके टीचर थे एम हैमल, वो क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल का और जिसको एक भी शब्द नहीं आता था उस टॉपिक के ऊपर. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक क्षण मेरे को विचार आया कि मैं बाहर भाग जाऊँ और पूरा टाइम जो है बाहर ही बिताऊँ. It was so warm and so bright. बहुत ही गर्म और अच्छा ब्राइट दिन था. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. अब ये यहाँ पर दिन को डिस्क्राइब कर रहा है कि दिन बहुत ही गर्म और अच्छा वार्म और ब्राइट था और बर्ड्स जो है वो चहचहा रही थी वुड्स के किनारे पे, यानी कि फॉरेस्ट के किनारे पे, और ओपन फील्ड जो थी सॉ मिल के पास में वहाँ पर प्रूशियन सोल्जर्स जो है ड्रिल कर रहे थे अपनी. इट वॉज ऑल मच मोर टेंटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड आफ्टर स्कूल. और ये अब यहाँ पे बोल रहा है बच्चा कि कितना टेंटिंग था ये सब चीजें और बजाय उसके रूल्स ऑफ पार्टिसिपल के टीचर पूछने वाले थे, फिर भी अपने आप को रोकता है और वापस स्कूल की तरफ भागता है. टाउन ऑल द हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. अब जब ये हॉल टाउन हॉल के पास बीच में से निकल रहा है तब वहां पे देखता है कि भीड़ जमा है बुलेटिन बोर्ड पे. नोटिस बोर्ड जैसे होता है वैसे बुलेटिन बोर्ड होता है. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officers. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? पिछले बीचे बीते 2 वर्षों से सारी बुरी खबरें जो है बुलेटिन बोर्ड पे से आ रही है. हारी हुई लड़ाइयाँ हो, ड्राफ्ट हो, नए ऑर्डर्स या कमांडिंग ऑफिसर आने वाला हो, सारी बुरी खबरें जो है बुलेटिन बोर्ड पे ही लगती थी और वहां से ही आती थी. तो मेरे को एक बार को लगा अब क्या मैं रुका या क्या अब क्या मैटर है. Then, as I hurried by fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time." अब जब ये ऐसे जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था तो वहां पे जो ब्लैकस्मिथ था वॉचर अपने अप्रेंटिस के साथ में जो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था वो बोलता है ज्यादा जल्दी मत करो बाब, तुम धीरे धीरे जाओ, तुम्हारे पास बहुत समय है. I thought he was making fun of me and reached and Hamel's little garden all out of breath. मुझे ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है और तभी मैं एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया था और मेरी सांस फूल गई थी. Usually when school began there was a great bustle. There bustle which could be heard out in the street. Usually जब स्कूल शुरू होता है तो वहां पर बहुत शोर शराबा सुनने को मिलता है, वो भी गली के बाहर से आपको सुनने को दे जाता है. जैसे कि आप लोगों को पता है आप लोग भी स्कूल में जाते हैं तो आपके स्कूल में बच्चे जब एंटर होते हैं या छुट्टी होती है तो उस बच्चों का शोर जो है काफी दूर से सुनाई दे जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी मेंशन किया गया है. द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क लिसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड एंड विद आवर हैंड्स ओवर आवर इयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. डेस्क का खुलना और बंद होना, लेसन रिपीट होना बहुत तेज आवाज में आना और विद आर हैंड्स ओवर आर इयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और लेसन जो रिपीट हो रहे हैं उससे हम हमारे हाथों को अपने कान पर रखे हैं जिससे हम अच्छे से समझ सकें. टीचर्स जो अपने स्केल को बार बार डेस्क के ऊपर टेबल के ऊपर मार रहे हैं. बट नाउ इट इज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज जो सारी
सीन था वहां का, जो चीजें थी वो बिल्कुल सब शांत थी. आई हैड काउंटर ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, पर ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी सो क्वाइट अ संडे मॉर्निंग. मैंने कोशिश करी कि मैं धीरे से अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊं, लेकिन आप जानते ही हैं सारी चीजें जो है उस दिन उतनी ही शांति जितनी की संडे मॉर्निंग को होती है. थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. खिड़की में से मैंने देखा मेरे क्लासमेट जो है वो ऑलरेडी अपनी सीट पर बैठ चुके थे. एंड एम हैमर वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और एम हैमर जो इनके टीचर थे वो आगे पीछे चल रहे थे बार बार, उनके हाथ में वही टेरेबल खतरनाक आयरन का स्केल था उनकी बगल के नीचे. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो एंड बिफोर एवरीबडी. मुझे दरवाजा खोलना था और मुझे सबके सामने एंटर होना था. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज. आप समझ सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ हूँ और कितना हैवी थूंगा. बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. आई एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस. एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुता से कहा कि अपनी जगह पे जल्दी जाओ लिटिल फ्रांस. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे चैप्टर की. तो यहाँ पर जो ये यूजुअली इसको चीज़ें देखने को मिलती थी वो नहीं है. और टीचर जो है जो यूजुअली डांटा कर रहे थे वो अब नहीं डांट रहे हैं. वो बहुत ही सॉफ्टली इसको बोल रहे हैं कि अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ. इसके सारे दोस्त जो हैं वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए हैं. स्कूल का माहौल बहुत शांत है जो यूजुअली नहीं होता है, ना इतना शांत है जैसे कि संडे मॉर्निंग को शांत रहता है स्कूल. क्योंकि संडे मॉर्निंग आप इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि संडे को स्कूल नहीं खुलते, तो स्कूल में बहुत शांति रहती है, बिल्डिंग खाली रहती है. उसी तरीके से आज का दिन भी बहुत शांत है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल.